नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डीएस राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा के फल को लेकर के। किसी भी जातक को यदि शुक्र की महादशा चल रही हो और उसमें अंतर राहु का हो तो यह अवधि 3 साल की होती है, और कुंडली में यदि राहु उच्च राशिगत मित्र राशि में संचरण कर रहे हों या स्वराशि में हो, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्टिगत हो रहे हों या उनके साथ युति बन रही हो, या यूँ कहिए कि राहु शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, और यही स्थिति अगर कुंडली में शुक्र की भी हो, यानी शुक्र उच्च राशिगत हो, मित्र या स्वराशि में हो, शुभ ग्रहों से युत हो या दृष्टिगत हो या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो शुक्र और राहु की स्थिति कुंडली में ये शुभता दर्शाती है, उसे बलवान बनाती है। और अगर ये स्थिति है तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक को आकस्मिक रूप से विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है, जिसे हम एक तरह से छप्पर फाड़ कर धन प्राप्त होने की स्थिति को भी दर्शा सकते हैं, कह सकते हैं कि यानी शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक को छप्पर फाड़ धन आकस्मिक रूप से मिलता है। और आकस्मिक रूप से धन या तो सट्टे लोटरी जुआ से मिलेगा, या फिर कोई पैतृक संपत्ति के रूप में मिलेगा, या फिर किसी और अन्य स्रोतों से मिलेगा। तो अगर शुक्र की और राहु की स्थिति कुंडली में बलवान या शुभता लिए हुए है, तो निश्चित रूप से जातक को 3 वर्षों तक अनेक प्रकार के आकस्मिक धन सुख और वैभव की प्राप्ति करवाती है अंतर्दशा। जातक के घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जातक के उत्साह में वृद्धि बनी रहती है, जातक को धन लाभ की प्राप्ति होती है और वे हमेशा प्रसन्नचित रहता है। हालांकि इस दशा का जो आखिरी समय है वो नॉर्मल रहता, सामान्य रहता है। ये अवधि जो 3 साल की है, ये विशेष रूप से छोटे बच्चों और रिश्तेदारों के पक्ष से अच्छी खबर लाती है, यानी इस दशा में छोटे बच्चों की शुभ समाचार मिलेंगे छोटे बच्चों के, और साथ ही साथ रिश्तेदारों के मामले में भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। इस शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक के जितने भी दुश्मन होते हैं वो सब हार का सामना करते हैं, यानी जातक को विजय का वरण होता है और जातक के जो दुश्मन होते हैं वो हार का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। धन की प्राप्ति के साथ साथ जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। इस अवधि में जातक उत्तम वाणी बोलता है, उसके कुल के उसके वंश के लोग उसका आदर करते हैं और जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, और जातक के शत्रुओं को जेल जाना पड़ता है शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर। यानी अगर जातक का किसी भी वाद विवाद में मुकदमा चल रहा हो तो जातक की विजय होगी और जातक का जो प्रतिद्वंदी होगा, विपक्षी होगा, शत्रु होगा, उसको जेल जाना होगा। इसके विपरीत यदि कुंडली में शुक्र और राहु की स्थिति अशुभता लिए हुए है, निर्बलता लिए हुए है, यानी शुक्र अशुभ प्रभाव युक्त है, नीच राशिगत है, पाप गुणों से पीड़ित है, और यही स्थिति अगर कुंडली में राहु की भी है कि राहु भी नीच राशिगत है या शत्रु राशि में संचरण कर रहे हैं अथवा पाप गुणों से प्रभाव में है, तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक को अनेक कष्टों, संकटों और दुखों का सामना करना पड़ता है। जातक धर्म और कर्म विहीन हो जाता है, धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता जातक, धर्म के विपरीत आचरण करने लगता है। इष्ट मित्रों और परिजनों से जातक की व्यवर्थ में विवाद होता है और उसे जातक को निंदा का पात्र भी बनना पड़ता है। जातक के कामकाज में रुकावट होती है, उसका तबादला हो जाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, और इस प्रकार उसे हानि का सामना करना पड़ता है। जातक के मन में उद्वेग, ईर्ष्या और द्वेष का भाव प्रबल रहता है। जातक आग, रसायन या जहर से जुड़ी स्थितियों में जातक को सावधानी बरतनी चाहिए और उनसे जातक का नुकसान होने का भय बना रहता है। इस अवधि के दौरान जातक को किसी न किसी दवा के माध्यम से संक्रमण होने का भी भय बना रहता है। जातक का धन का क्षय, धन खो सकता है, धन का नाश हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, और रिश्तों में कुछ कड़वाहट और गलतफहमी हो सकती है। जातक को खुद को भी शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जातक को विष, अग्नि और चोर से पीड़ा होगी और जातक के मन में अस्थिरता बनी रहेगी। साथ ही साथ शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने पर अगर कुंडली में शुक्र और राहु अशुभ स्थिति में है तो जातक परस्त्रीगामी जैसे आचरण करेगा और अनैतिक संबंधों के चलते जातक को समाज में परनिंदा का कारण बनना होगा। तो दोस्तों, ये था शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल कथन।
अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा के फल को लेकर के। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।